स्वागत है आपका नए वीडियो में। दिस इज आकाश एंड यू आर वॉचिंग टेक जोन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग अनपैक्ड इवेंट के बारे में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस इवेंट में सैमसंग के दो फोन लॉन्च होने वाले हैं जो सैमसंग के प्रीमियम सेगमेंट के फोन हैं। तो एक फोन है सैमसंग Z Fold 4 और एक फोन है सैमसंग Z Flip 4। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं फोन से जुड़े रूमर्स के बारे में, लीक्स के बारे में कि इन फोन में क्या नया होने वाला है और आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें Z Fold 4 के बारे में तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या क्या रूमर्स हैं, क्या क्या लीक्स हैं। प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 प्लस फर्स्ट जेन का प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा, जो अभी तक का स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। बैटरी की मैं अगर बात करूँ तो Z Fold 3 में जो हमें बैटरी का इशू था कि बैटरी कम चलती थी क्योंकि उसमें स्क्रीन इतनी बड़ी है तो बैटरी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें बैटरी का इशू आता था। बट इसमें हो सकता है कि बैटरी हमको ज़्यादा देखने को मिले तो बैटरी का प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए इसके अंदर। फास्ट चार्जिंग की मैं अगर बात करूँ तो 45 वॉट की इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। डिस्प्ले की मैं अगर बात करूँ तो डिस्प्ले Z Fold 3 के जैसा ही है, कुछ उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो डिस्प्ले है वो OLED है, 120 हर्ट्ज़ का फास्ट डिस्प्ले है और Fold 3 के डिस्प्ले के बीच में जो हमें क्रीज देखने को मिलती थी वो क्रीज शायद इसमें कम हो सकती है। अभी तक जो रूमर्स है उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है। तो अगर वो कम हो जाएगा तो बीच में जो हमको क्रीज देखने को मिलती है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी और पूरा डिस्प्ले सीमलेस हमें दिखाई देगा। अंडर डिस्प्ले इसका कैमरा होने वाला है, जो Z Fold 3 में 4 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलता था, Z Fold 4 में हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और रेयर कैमरे की मैं अगर बात करूँ तो इसमें हमें जो कैमरा सेटअप देखने को मिलता है पीछे की तरफ वो सेम है S20 प्लस S20 अल्ट्रा में जो हमें देखने को मिलता है। मैं साइज की अगर बात करूँ तो फोल्डेबल जो फोन थे सैमसंग के वो थोड़े हैंडी नहीं थे, वो उनका साइज जो था वो ज़्यादा बड़ा था, लेकिन Z Fold 4 में साइज कम करने की बात करी गई है तो थोड़ा हैंडी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन जो है वो ज़्यादा मार्केट में देखने को तो नहीं मिलते हैं, लेकिन सैमसंग के हिसाब से उसने जो पिछले साल इसकी सेल करी है वो 10 मिलियन है। और Z Flip 4 की तो अभी कोई रूमर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ लीक्स आपको दिखा देता हूँ। यह है Z Fold 4 और यह है Z Flip 4। फोल्ड की जो साइड में जो बॉडी होती है उसको कर्व की जगह फ्लैट रखने वाला है क्योंकि अभी मार्केट में वही चल रहा है। iPhone 13 को देख लो या नथिंग को देख लो तो ये लोग अभी फ्लैट पे ही काम कर रहे हैं, तो सैमसंग भी अपने Z Fold 4 और Z Flip 4 में भी यही करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है और आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।